पड़ोस में एक नया देश बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। ये नया देश म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ इलाकों को काटकर बनाया जा सकता है। इस नए देश का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही किया जा सकता है। ये खबर आपको मजाक लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। बांग्लादेश और म्यांमार के हिस्सों को लेकर एक नया ईसाई देश बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। इस खतरनाक खबर का खुलासा खुद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया है। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। बांग्लादेश में हम देख सकते हैं कि वहां की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना देश छोड़ दिया है, यानी कि बांग्लादेश को छोड़कर वो भारत में आ गई है और वहां पर जो उसके राज्य का वो अंत हो गया है। जो प्रधानमंत्री वो बनी थी, लगातार ही वो प्रधानमंत्री बनते आ रही थी, लेकिन अंत में वहां के लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन इतना ज्यादा उग्र हो गया कि वहां की जो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और वो अपना देश को छोड़कर भाग गई। जी हाँ, और वो अभी भारत में है, ऐसा बताया जा रहा है। कि जो प्रधानमंत्री थी वो शेख हसीना थी और लोगों ने जब आंदोलन किया तो उनके घर में कब्जा कर लिया और बहुत सारे लोगों के घर को जला दिया और बहुत सारा उग्र आंदोलन किया गया है। लेकिन शेख हसीना ने बताया है और मीडिया जो न्यूज है वो बता रहे हैं कि ये इसलिए हुआ है कि बांग्लादेश को तोड़कर या बांग्लादेश को एक ईसाई राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जी हाँ, एक क्रिश्चियन देश बनाना चाहते हैं, इसलिए ये सब हो रहा है, इस प्रकार से मीडिया का कहना है। और शेख हसीना ने भी, वहां की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना ने खुद कहा था कि बांग्लादेश को काटकर एक स्वतंत्र क्रिश्चियन देश बनाने का ऑफर उन्हें मिला था, इस प्रकार से शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में कहा था। अभी उसमें कितना सच्चाई है वो हम तो नहीं जान सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की जो खबरें हैं अभी ज्यादातर आ रही है, क्योंकि अभी जो शेख हसीना है वो प्रधानमंत्री नहीं है, इसलिए अभी ये खबरें ज्यादा चल रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश में अब किसकी सरकार होगी, क्या होगा वो मालूम नहीं है। और बांग्लादेश में लगभग 4 लाख से ऊपर क्रिश्चियन लोग रहते हैं, तो बताया जा रहा है कि बांग्लादेश को काटकर एक क्रिश्चियन देश, एक क्रिश्चियन राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उनको ये ऑफर भी मिला था, वाइट मैन करके उन्होंने नाम भी लिया था। इस प्रकार से अभी किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया है कि कोई अमेरिका बनाना चाहता है, इंग्लैंड बनाना चाहता है, कौन बनाना चाहता है, उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ईसाई राष्ट्र बनाना चाहता है। जी हाँ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें 7 जनवरी के चुनाव के लिए ऑफर दिया गया था कि अगर वह अपने देश के अंदर एयरबेस बनाने की छूट देती है, बिना किसी परेशानी के चुनाव कराने दिया जाएगा। शेख हसीना ने ऑफर देने वाले देश का शख्स का नाम नहीं बताया है कि वो कौन है, कौन सा देश है। शेख हसीना ने दावा किया है कि यह प्रपोजल एक वाइट मैन की तरफ से आया था। हसीना ने कहा है कि वह देश और विदेश में लड़ाई लड़ रही है और बांग्लादेश से अलग एक नया देश बनाने की साजिशें अभी भी जारी है। पूर्वी तिमोर की तरफ वे बांग्लादेश, चोटा ग्राम और म्यांमार के कुछ हिस्सों को बंगाल की खाड़ी में बेस के साथ लेकर एक ईसाई देश बनाएंगे, इस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कहा है। 2009 से जो शेख हसीना है वो शासन कर रही है, लेकिन अगस्त में उसका शासन का अंत हो गया है, इसलिए कोई भी इस पृथ्वी पर अंत तक नहीं टिक सकता, उसका एक ना एक दिन अंत होगा। जी हाँ, एक ना एक दिन सभी के राज्य का अंत होगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा। अभी ये बात कितनी सच्चाई है वो अभी भी खुलासा नहीं हुआ है कि सचमुच में किसी व्यक्ति ने या किसी देश ने उनको ये बोला हो कि भाई हाँ, आप एयरबेस आपके देश में बनाने देंगे। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुआ है कि किसने कहा है और कौन से देश ने कहा है, या हो सकता है किसी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही हो, कि ईसाई राष्ट्र बनाएंगे, ईसाई देश बनाएंगे, इस प्रकार से शेख हसीना ने कहा है। और अभी मीडिया लगातार इस बात को दोहरा रहा है, लगातार वो चला रहा है कि बांग्लादेश ईसाई राष्ट्र बनेंगे, क्रिश्चियन राष्ट्र बनेंगे, इस प्रकार से बताया जा रहा है। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम है, हिंदू है और उसके बाद क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन की जो संख्या, वो ऐसा लग रहा है कि हवा में बातें कर रहे हैं या एक सफेद झूठ बोल रहे हैं, ऐसी बातें जान पड़ती है। हमें एक बात याद है कि परमेश्वर का राज्य कभी भी अंत नहीं होगा, वो हर एक देश में अपना राज्य को स्थापन करेगा। एक ऐसा समय होगा जब परमेश्वर का पूरा राज्य पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की।